सभी को नमस्कार। बालाजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 7/6/21 को करंट अफेयर की सीरीज लेके मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा आज के इतिहास की। 1893 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता अपनाया था। उसके बाद आज ही के दिन 1929 में दुनिया का सबसे छोटा देश, जिसे हम वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं, इसे एक संप्रभु देश का दर्जा मिला था। देखिए, इसका क्षेत्रफल की बात करो तो मात्र 44 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है और आबादी यहाँ की 1000 है। देखिए, अगर मैं वेटिकन सिटी के राजा की बात करूँ तो पोप है, यहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है और ये रोम में बसा है। उसके बाद देखिए, कल का प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया किस से संबंधित है। देखिए, प्रोजेक्ट 75 इंडिया का संबंध सेना से है। अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये घोषणा की थी, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत नौसेना को 6 पनडुब्बियाँ दी जाएगी जिनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं कि देश का पहला ई व्हीकल शहर बना है। देखिए, देश का पहला जो ई व्हीकल जो शहर है वो है केवड़िया, और केवड़िया गुजरात में स्थित है। उसके बाद उस्ताद सईद साबरी का हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए, ये राजस्थान के जयपुर से संबंधित थे और इनका जो क्षेत्र है वो गायन क्षेत्र था, ये गायन से संबंध रखते थे। ठीक है, उसके बाद आज का तीसरा प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टीकाकरण अभियान का क्या नाम है? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कोवैक्स। और चौथा प्रश्न कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है डीबी गुप्ता, इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि किस देश में 3 से 17 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी दी है? देखिए, 3 से 17 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला देश चीन है। और मैं अगर बात करूँ टीके की तो वो है सिनोवैक बायोटेक का टीका होगा जिसकी मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कुछ देशों में 12 से 16 वर्ष के बच्चों को टीके की मंजूरी दी जा चुकी है और वहाँ पे टीके लगने भी शुरू हो चुके हैं। आज का छठा प्रश्न कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अगर ये प्रश्न इस तरह से होता कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो इसका उत्तर हो जाता ऑप्शन सी, राजीव कुमार। उसके बाद आज का सातवां प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी है? देखिए, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। अभी यहाँ पे चीन अपनी एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है तो वहाँ पे हंगरी के अंदर इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। उसके बाद आज का आठवां प्रश्न है कि वर्तमान में बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? देखिए, वर्तमान में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। और नौवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 किसे दिए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोफेसर सी एन राव। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड को ऊर्जा अनुसंधान का नोबल पुरस्कार माना जाता है और यह पुरस्कार इटली की राजधानी रोम में 14 अक्टूबर को इन्हें दिया जाएगा। उसके बाद आज का प्रश्न जो मुझे आप बताओगे इसका सही उत्तर वो है कि राजस्थान सरकार किस वन्य जीव अभयारण्य में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाएगी? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका सही उत्तर आप मुझे देंगे। देखिए, इसके अलावा अगर बात करूँ तो वर्तमान में राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व है, एक सवाई माधोपुर में, दूसरा अलवर में, तीसरा कोटा झालावाड़ के अंदर, जिसके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक गाइस, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।